आशा आती थी उसका मददगार होता था, आज आशा नहीं आती है, तो इसलिए उसको जो है डिलीवरी वाली सबको भी घुमाया जाता है, वो लोग प्राइवेट जाने के लिए मजबूर है और अनाप शनाप वहाँ पैसा लिया जाता है प्राइवेट में। और जो हम लोग का है, जो हम लोग आते थे तो हम लोग अपना साथ में रह के काम कराते थे, एक भी पैसा कहीं लाभार्थी को नहीं लगता था। कहीं तो कहीं है जो कहीं प्रभाव पड़ रहा है हम लोग को हड़ताल पे जाने के लिए। पहले की बात थी तलवार लेके झांसी की रानी चलती थी घोड़े पे सवार होके, लेकिन आज ऐसा नौबत सरकार बिचौलिया कर दिया है, हम लोग थाली लेके चम्मच लेके घूम रहे हैं, यही मेरी तलवार है, यही मेरी थाली है। सदर अस्पताल में आज आशा एवं फैसिलिटर संघ ने हड़ताल के 28वें दिन थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। सदर अस्पताल में आशा एवं फैसिलिटर संघ के द्वारा अपने 9 सूत्री मांग को लेकर 28 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई है। आशा संघ का मांग है कि उन्हें प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, उन्हें वेतन मान चाहिए। राज्य सरकार का राजकर्मी का दर्जा, साथ ही कोरोना काल में किए गए कार्यों का विलंब भुगतान को लेकर लगातार 28 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रही है। आज राज्य आशा संघ के निर्देश पर थाली पीटने का कार्यक्रम सदर अस्पताल परिसर में आयोजित किया गया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री समेत बिहार के मुखिया के विरुद्ध आशा संघ ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जब तक सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करते तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे, चाहे उसे रोड जाम करना पड़े, रेल जाम करना पड़े या जेल भरो आंदोलन क्यों न करना पड़े, सभी तरह के आंदोलन को करेंगे। अपने सभी मांग को लेकर आइए सीधे चलते हैं सदर अस्पताल, क्या कुछ बता रही है आशा कार्यकर्ता दीपिका सिंह, उन्हीं से जानते हैं पूरे वाक्या। थाली पीट रहे हैं, विरोध जता रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग आज 28वां दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल का है, हम लोग विरोध जता रहे हैं, हम लोग को स्थायीकरण करें और ठेकेदारी प्रथा को माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी हटाए और हम लोग को नियमित करें। हमारे 28वां दिन हड़ताल जारी रहा है और आज हम लोग अस्पताल में सभी आशा भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और हम लोग का कार्यक्रम पटना से आया हुआ है थारी पीटो अभियान, इसीलिए हम लोग विरोध थारी पीट के विरोध जता रहे हैं कि हम लोग को मांग को पूरा किया जाए, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जारी रहेंगे। हम लोग को रेल जाम करना पड़ेगा, रेल जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, उससे भी नहीं होगा तो जेल अभियान हम लोग बढ़ेंगे, जेल जाने के लिए भी तैयार है। तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि आप हमारी आवाज जहाँ भी है, जहाँ भी आप है हमारी आवाज को सुने, अगर कान में आपको आवाज नहीं जा रही है तो हम लोग थाली से जगाने का काम कर रहे हैं, अगर आप बहरे हो गए हैं तो कान में 600 तेल लेके सोए हुए हैं तो उस कान को जगाएं और आशा को वेतन मान करें। अभी तक लगातार इस कार्यक्रम के दौरान आप लोग पटना भी गई थी और लाखों की संख्या में आप लोग पटना में घेराव भी किए थे। हम लोग पटना पहुंचे थे 3 तारीख को और मिला जुला के हम लोग 50,000 के आसपास आशा कार्यकर्ता पटना पहुंचे हुए थे, वहां हमारी वार्ता भी हुई, 4-5 विधायक साहब भी आए हुए थे, निर्दलीय का जो कि माले का मोकपा का था और बीजेपी का भी शामिल था उसमें, वो लोग भी हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाने का बहुत बड़ा हौसला हम लोग को जाहिर किया है, जो हम लोग आपकी जो आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे और वादा भी किया है, बीजेपी का भी सरकार हम लोग के साथ में है और वो लोग भी बोले हैं कि आशा का मांग जायज है, इनको वेतन मिलना चाहिए। हम लोग 2005 से काम कर रहे हैं, अभी तक सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है, सरकार बहरी हो गई है और हम लोग को नियमित करने से अकड़ा रही है। तो इस बार 2024 में सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आशा और सेविका और एएनएम जो है स्थायीकरण में नहीं किए हुए हैं, वो सब मिलके हम लोग 2024 में आप लोग को कुर्सी से उतारने का काम करेंगे, नहीं तो हम लोग को नियमित और ठेकेदारी प्रथा हटाइए, हम लोग को नियमित कीजिए, नहीं तो हम लोग जैसा हम लोग आश्वासन पटना से मिलेगा हम लोग रोड भी जाम करेंगे, हम जेल अभियान भी जाएंगे, हम लोग चक्का भी जाम करेंगे, रेल भी जाम करेंगे, इसके लिए हम लोग तैयार हुए हैं और हर एक पीएससी में अपना परिवार के साथ खिचड़ी बना के खा रहे हैं और वैक्सीन उठने के लिए नहीं देंगे, आपका जो MI कार्यक्रम है वो भी आपको नहीं करने के लिए देंगे, उसको भी हम लोग विफल करेंगे। परिचय दीपिका सिंह, जिला मंत्री आशा संघ मधेपुरा। लगातार 28वां दिन आप लोगों का हड़ताल जारी है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को आपके हड़ताल पे चले जाने से क्या नुकसान हुआ? मेरा कहना है, आगे भी पटना से न्यूज आया हुआ है, पेपर में भी दिया हुआ है, RI जो है अभी बहुत 25% पे चलाया है और हम लोग RI बंद किए हुए हैं, RI तो 25 पे चलाया है, डिलीवरी भी
3% 4% में जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो आशा के नहीं आने से तो पेशेंट को भी दिक्कत होती है, ऐसी बात नहीं जो नहीं हो रही है। आशा आती थी उसका मददगार होता था, आज आशा नहीं आती है तो इसलिए उसको जो है डिलीवरी वाली सबको भी घुमाया जाता है, वो लोग प्राइवेट जाने के लिए मजबूर है और अनाप शनाप वहाँ पैसा लिया जाता है प्राइवेट में। और जो हम लोग का है, जो हम लोग आते थे तो हम लोग अपना साथ में रह के काम कराते थे, एक भी पैसा कहीं लाभार्थी को नहीं लगता था। कहीं तो कहीं है जो कहीं प्रभाव पड़ रहा है हम लोग को हड़ताल पे जाने के लिए। पहले की बात थी और तलवार लेके झांसी की रानी चलती थी घोड़े पे सवार होके, लेकिन आज ऐसा नौबत सरकार बिचौलिया कर दिया है, हम लोग थाली लेके चम्मच लेके घूम रहे हैं, यही मेरी तलवार है, यही मेरी थाली है। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड सुभाष चौक इंडियन बैंक के पीछे। अगर आपको दांत रखना है स्वस्थ तो इन चीजों से रहे दूर, चौमिन पिज्जा बर्गर जितने भी स्टिकी चीज है कृपया उनसे दूर।